चैनल, मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बॉडी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि बॉडी के अंदर कितने सिस्टम प्रेजेंट हैं और उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी में आपके 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर आपका स्किन और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स आते हैं। और स्किन जो होता है और उससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके साथ ही वो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो भी वेस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एज अ स्वेट वो रिमूव करते हैं। ये उसके साथ ही विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके आपको विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो भी सेंसेशन होता है जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया या फिर वार्म्थ या फिर कोल्ड, इनके सेंसेशन को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। सेकंड है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंदर बेसिकली आता है आपका बोन्स और जॉइंट्स बॉडी के, और उससे जो एसोसिएटेड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए। जो बोन्स होते हैं वो बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और अपने अंदर मिनरल्स और लिपिड्स को स्टोर करते हैं। थर्ड सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आता है आपका मसल्स, जो कि बेसिकली आपका स्केलेटन मसल टिश्यूज जिसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये स्केलेटन मसल टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मसल्स जो होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं। ये आपको प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, ये जो हम करते हैं मतलब बैठते हैं या चलते हैं, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपके मसल्स के मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। उसके अलावा ये बॉडी को स्टेबलाइज करता है, जिससे कि पोजीशंस को स्टेबलाइज करता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हीट जनरेशन होता है। फोर्थ है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और कुछ स्पेशल ऑर्गन जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि बॉडी के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को डिटेक्ट करता है, फिर उसको उस चेंज को इंटरप्रिटेट करता है और उसके हिसाब से बॉडी को मॉडिफाई करता है कि वो उसको रिस्पॉन्स प्रोड। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर आपके हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, जैसे पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं आपको हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं बॉडी की एक्टिविटी को हार्मोन रिलीज करके, जो कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जो टारगेट ऑर्गन होता है या टिश्यू होता है उस तक, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी जो होती है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। सिक्स्थ है आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आता है आपका ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जो होती है फिर आपके ब्लड वेसल्स में जाती है, फिर ये ब्लड जो वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं टू ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स या टिश्यूज में जो भी वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर उसको वापस वो हार्ट में लेके जाती है, जहां पे उसका फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है। ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है, और टेम्परेचर और जो भी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट करती है। ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको डिसीज के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं उनको वो रिपेयर करते हैं, जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेवन्थ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और उस लॉन्ग ट्यूब के अंदर आपका माउथ, फेरेनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस इंक्लूडेड होता है। उसके अलावा कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज।
ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि जो भी फूड हम इनटेक लेते हैं उसका वो फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिर वो एलिमिनेट कर देता है थ्रू फीसेस और यूरिन। एट्थ है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है आपका किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो आपको एक स्टोर प्रोवाइड करता है और यूरिन को एलिमिनेट करता है, उसके साथ ही वो वेस्ट को भी एलिमिनेट करता है और जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है ब्लड का उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और जो भी बॉडी में मिनरल्स बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है और उसके साथ ही ये आपको रेगुलेट करता है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी। इसके अंदर आपके आते हैं लिम्फ जो कि एक लिम्फेटिक फ्लूइड है और लिम्फ वेसल्स। इसके अलावा इसके अंदर है स्प्लिन, थाइमस, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन्स को रिटर्न करता है और फ्लूइड को मतलब प्रोटीन्स और फ्लूइड जो होते हैं उनको रिटर्न करता है ब्लड में और लिपिड को कैरी करता है जीआई ट्रैक से ब्लड तक। इसमें जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करता है जहाँ पे लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योर और प्रोलिफरेट करता है और जो भी माइक्रोब्स ग्रो हो रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज के उनको उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर आता है आपका लंग्स, एयर पैसेज वे जैसे कि फेरनिक्स, लैरनिक्स, टैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो कि लंग से बाहर और अंदर जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है इनहेल्ड एयर से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सहेल्ड एयर में। इसके अलावा ये आपको एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी का होता है उसको भी रेगुलेट करता है और जो भी एयर फ्लो करते हैं आपके लंग्स के थ्रू वोकल कॉर्ड से वो आपको साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं आपके गोनैड्स जो कि टेस्टिस होते हैं मेल्स में और ओवरीज होते हैं फीमेल्स में और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जैसे कि यूटेरिन ट्यूब, यूटेरस और वजाइना फीमेल्स में और एपिडिडिमिस, डक्टस डिफरेंस और पेनिस मेल्स में। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूनाइट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा गोनैड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और बॉडी के कुछ अदर फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो गैमेट्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो ये था अबाउट आपका लिम्फ सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उनके अंदर कौन से बेसिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।